हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प लॉगर स्टडी चैनल में। हम आज आपके लिए 24 दिसंबर 2018 की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण जीके लेकर आ गए हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया गया है। आप कोई भी हमसे, कोई भी आपकी समस्या है या फिर आप डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप के जरिए। तो आप हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ये जो है ये आपका व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसके जरिए हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए और शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए आज की करंट अफेयर देख लेते हैं। आज की जो पहली करंट अफेयर है वो ये है कि भारत और चाइना का पहला फिल्म फेस्टिवल ये आयोजन किया गया है भारत में, यानी कि भारत इसको होस्ट करने वाला है। इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रेंथन किया जाए, यानी कि काफ़ी पावरफुल बनाया जाए, काफ़ी मजबूत किया जाए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो चाइना और भारत के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, उसको काफ़ी मजबूत किया जाए। तो इसके लिए ये आयोजन किया गया है। बता दें कि चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शिक्षा सेतु, ये क्या है? एक नई मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्यों लॉन्च किया गया है? इसको ऑब्जेक्ट क्या है? इसको लॉन्च करने का ऑब्जेक्ट है कि जो भी अटेंडेंस फीस, ऑनलाइन एडमिशन या स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है वो ऐप के थ्रू अब पा सकते हैं। और यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ के जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। देखिए, हम आपकी ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, साथ ही में आपकी जनरल नॉलेज, मतलब आपको ये जो स्टैटिक जीके होती है आपको रटने की जरूरत नहीं होती और आपकी इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, यानी कि CMRL, तो ये एक तो पहली तो बात ये हुई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म का, तो उसको जरूर दिमाग में रखिए आप, फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जा सकती है। इसके बारे में खबर क्या है कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप को, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चेन्नई में हैं तो आप वहाँ से राइड पहले से ही बुक कर सकते हैं, यानी कि प्री बुकिंग कर सकते हैं आप, तो ये मोबाइल ऐप के जरिए हो सकता है। चलिए, यहाँ पे बात हुई चेन्नई की, तो चेन्नई की जो बारे में जान लेते हैं। चेन्नई जो है वो कैपिटल है तमिलनाडु की। अगली खबर की तरफ चलते हैं। रिलीफ दी गई है, यानी कि कुछ फायदा पहुंचाया गया है अनियन ग्रोवर को, यानी कि जो अनियन उगाते हैं, प्याज जो उगाते हैं किसान वगैरह, उनके लिए राहत कुछ प्रोवाइड की करवाई गई है सरकार के द्वारा। तो ये जो राहत है, ये कितना अमाउंट है इसका, ये है ₹150 करोड़ की राहत प्रोवाइड करवाई गई है। ये प्रोवाइड कराई गई है, क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई है। चलिए, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हुई है तो वहाँ पे सीएम जान लेते हैं कौन है, वो है देवेंद्र फर्नांडिस, और वहां की जो कैपिटल है वो है मुंबई। दोस्तों, अगली खबर है कि एक न्यू और फ्रेश लिटरेसी सर्वे ये ऑर्गेनाइज करवाएंगे त्रिपुरा गवर्नमेंट, यानी कि त्रिपुरा गवर्नमेंट चाहती है कि एक नया लिटरेसी सर्वे, फ्रेश लिटरेसी सर्वे स्टेट में वो करवाएं। तो यहाँ पे बात हुई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, IBPS में, बैंक्स के एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि काफ़ी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और ज़्यादातर लोगों को काफ़ी टच में नहीं रहता ये, तो इसलिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल जो है उसकी वो है अगरतला और वहाँ के जो CM हैं वो हैं बिप्लब कुमार देब। अगली खबर की ओर चलते हैं। हाल ही में 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस से लौट आए हैं, यानी कि स्पेस मिशन के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो बाकी वहीं पे रह गए हैं अभी, और उनमें से तीन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सही सलामत सुरक्षित वापस आ गए हैं धरती पर। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन था जिसके तहत वो लोग गए थे, उन्होंने 197 डेज स्पेस में बिताए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे तरीके से। कहाँ पर वो लैंड हुए हैं? वो लैंड हुए हैं कजाकिस्तान में, यानी कि उनका जो एयरक्राफ्ट है वो कजाकिस्तान की बात हुई है यहाँ पर, तो कजाकिस्तान की कैपिटल की ओर देख लेते हैं हम। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्ताना और वहाँ की जो करेंसी है वो है कजाकिस्तानी तेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मशहूर सिंगर जो है पंडित अरुण बहादुरी, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, वो 75 साल के हो गए थे।
तो हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी एक बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किनका निधन हुआ है, तो आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में लेके चलिएगा। अगली खबर है कि DGP सबमिट हुई है 2018 की, ये संपन्न हुई है गुजरात में। और देखिए यहाँ पे गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की कैपिटल देख लेते हैं, वो है गांधीनगर, और गुजरात की जो CM है वो है विजय रूपानी। चलिए दोस्तों बारी आपके आज के सवाल की। आपको बताना है कि अशोका दी ग्रेट के फादर कौन थे, यानी कि उनके फादर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे कि आपकी GK चेक हो जाए और पता चल पाए कि आपकी जनरल नॉलेज का लेवल कितना है, तो दूसरों के लिए भी फायदेमंद रहता है कि जिनको नहीं आता है तो उनको सोर्स मिल जाता है आपके कमेंट के जरिए कि वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का, या फिर अन्य किसी भी वीडियो का, या फिर स्टडी मटेरियल कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.examhelplogger.com और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो भी आपको इस वेबसाइट पर सारे विजिट कीजिए, और काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल वगैरह, काफ़ी पास पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि आपको सारी न्यू अपडेट्स इजीली मिलती रहें, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं, और शेयर कीजिए इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं आप हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सारे बच्चों के हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि काफ़ी उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनकी जनरल नॉलेज का जो लेवल है वो काफ़ी अपडेट हो गया है हमारी इन वीडियोस के द्वारा, तो हमें जानकर बड़ी खुशी होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे पूरी अपने दिलो जान से हम काम करें। तो इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन और बढ़ाते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में कमेंट कीजिए, फीडबैक बताइए हमें कि क्या कमी है या फिर क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो आपका ये मॉरल फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के तमाम कॉन्टैक्ट्स में आप शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, तो ढेर सारी मात्रा में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, अब हमारी मुलाकात होगी कल यानी कि अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोज को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।